Hi friends, what's up? Welcome to my channel. My name is Shailesh and I live in Mumbai city. Friends, I just wanted to share you something with you guys. Like जब हम travel करते हैं, हम normally जब हम कहीं पे office जाते हैं या हम daily जो Bombay के traffic है और इतना traffic होने के बावजूद भी हमें कभी कभार जो होता है हमें बहुत दिक्कतें आती है. तो generally कैसा होता है कि हम जब जाते हैं तो हम train, bus या फिर शेयर कैब से वगैरह जाते हैं. बट इससे क्या होता है कि हमें एक तो धक्कम धक्की का जो है वो प्रॉब्लम हो जाता है. सेकंड थिंग जो है हमारे शर्ट्स वगैरह जो है वो क्रीसेज आ जाते हैं एंड ऑल दैट. लेकिन मैं ज़्यादातर प्रेफर करता हूँ कि मैं जब ट्रैवल करता हूँ तो मैं अपने खुद पर्सनल बाइक पे ट्रैवल करने का ज़्यादा प्रेफर करता हूँ. और उससे क्या होता है, तो एक तो क्या चीज़ है कि एक तो वो डिपेंडेंसी नहीं होती है. सेकेंड थिंग, जहाँ पे भी जाना होता है आप तुरंत आप जा सकते हो, उसे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है. आप जब भी जाओ तो आप अपने जो बाइक पे जो है आप जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पे आप जा सकते हो. तो मैं काफ़ी वक्त जो मैं अपना बाइक यूज़ करता हूँ और करीबन जो मेरा अप एंड डाउन जो है दिन में करीबन 40 किलोमीटर जो है मेरा अप एंड डाउन हो जाता है. तो उसके वजह से क्या होता है, यहाँ एक दिक्कत होती है कि हाँ बाइक से जाने से जो है ट्रैफिक बहुत होता है और जिसके वजह से जो है बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है. काफ़ी घंटों तक जो है ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ता है और जो है फिर लाइक धूप हो या दैट सन हो उसके वजह से बाइक पे लाइक बट ऑप्शंस कुछ नहीं है. बट यस, आपको जो है बाइक पे ही रहना होता हो. इसमें से एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व किया जब मैं बाइक चला रहा था. नॉर्मली कैसा होता है, जब ट्रैफिक होता है तो आपको क्या करना होता है कि आपको गियर चेंज करना होता है. कभी फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ. अगर रास्ता क्लियर है तो आपने अपने स्पीड बढ़ा दिया. अगर रास्ता नहीं क्लियर है तो आपको फिर गियर चेंज करना पड़ता हो. तो उससे क्या होता है कि मैंने चेक किया कि मैंने मेरे शूज़ में जो है उसमें रिंकल्स आने लग गए थे. जब शूज़ जो भी नया शूज़ पहनता था उस शूज़ में क्या होता था, रिंकल्स आ जाते थे. और उस जगह पे उस गियर उस जहाँ पर गियर होता है उस जगह पे जो है एक दाग आ जाता है. ओके, नॉर्मली आजकल के बाइक में कैसा है कि सिंगल हैंडेड जो है वो ये यूज़ किया जाता है, गियर यूज़ किया जाता है गियर शिफ्टिंग के लिए. ओके, वो डबल साइड नहीं होता है. तो अप एंड डाउन के लिए आपको क्या होता है, जनरली आपको डाउन करने के लिए आप तो दबा सकते हो लेकिन अप करने के लिए आपको नीचे से पैर को स्लिप करना पड़ता है. इसी के लिए मैंने देखा कि यार मेरे काफ़ी शूज़ जो है वो ख़राब होने लगे. तो एक दिन मैं जो है मैं चैनल ऐसे ही ब्राउज कर रहा था ऑनलाइन और मैं अमेज़ॉन साइट पर था और मैंने चेक किया कि उसमें एक अच्छा एक प्रोडक्ट मुझे मिला जो बाइक के लिए बहुत यूज़फुल था. ओके, और वो प्रोडक्ट जो है मैंने उसको ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया. ऑनलाइन ऑर्डर करने के बाद मैंने उसको यूज़ किया. यूज़ करने के बाद मैंने देखा कि ये काफ़ी यूज़फुल है और इससे काफ़ी हेल्प मिल सकता है. मैं आपको वही चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि आज जो वीडियो मैं जो है आपको शेयर कर रहा हूँ, जो ये वीडियो बना रहा हूँ, आप लोगों को भी हेल्पफुल रहेगा. उस प्रोडक्ट का जो है वो इस तरह है, वो है रबर शिफ्ट शॉक अब्जॉर्बर. ओके, ये कम्प्लीटली जो है रबर का बना हुआ है. नथिंग हार्ड या कुछ हार्ड नहीं है इसमें, ये फुल रबर बैंड रबर के जैसा बना हुआ है. तो ये लगाने से क्या हुआ है कि अब जब मैं गियर शिफ्ट करता हूँ या गियर चेंज करता हूँ तो मेरे बाइक को जो मेरे पैर को जो है या मेरे शूज़ को जो है उसमें कोई रिंकल्स या कोई दाग या फिर कोई स्टेन नहीं आता है. तो जनरली ये मैंने और लगाने के बाद काफ़ी यूज़फुल रहा. तो दोस्तों मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूं कि जिन लोगों को ये दिक्कत होती है, ज़्यादातर जो वाइट शूज़ होते हैं, हम कभी अगर किसी पार्टी में जाना चाहते हैं और अगर हम चाहते हैं कि अपना बाइक लेके जाए और वाइट शूज़ पहन लिया तो सर फिर तो प्रॉब्लम तो आपको बहुत फेस करना होगा कि लाइक तो आपकी शूज़ जो है वो ऑन टोज चली गई और आपके शूज़ में काफ़ी दाग लग गए. फिर आपको काफ़ी ऑकवर्ड फील होता है और लाइक आपको ऐसा लगता है कि ये दाग कैसे जाएगा एंड ऑल. सो डोंट वरी, ये जो लगाने के बाद जो है इसमें एक तो आपको जो है काफ़ी आराम मिलेगा. सेकंड थिंग, आप कभी कभी स्लीपर पहन के भी अगर आप बाइक चलाते हो तो आपको जो है उसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा. तो आइए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इसको किस तरह लगाया जाता है और ये आपको किस तरह यूज़ होगा, तो कि आप ताकि आप जब भी यूज़ करें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ये मेरी बाइक है. ओके, ये जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ अपने ऑफिस जाने के लिए या फिर कहीं पे भी ले जा शॉर्ट डिस्टेंस जाने के लिए एंड ऑल दैट. आप देखिएगा, आप आजकल के बाइक पे जो है वो इस तरीके का गियर लगा हुआ रहता है. तो ये कैसा होता है कि ये अगर आपने ये लगा दिया
तो आपको कोई भी प्रॉब्लम जो है फेस नहीं कर पाओगे। और ये बहुत ही सिंपल है लगाने के लिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके लिए आपको मैकेनिक के पास जाना होगा या गैरेज में जाके पैसा खर्चा करना होगा या कुछ है, बस कुछ नहीं। ये काफ़ी जो है प्राइस भी इसकी काफ़ी नॉमिनल है, मैंने इसको कुछ 130 रुपीज़ में परचेस किया था अमेज़ॉन से जो ऑर्डर किया है। ये देखिए, ये जो है ये गियर होता है इस तरीके का, और ये वन साइड गियर होता है, जो डबल साइड नहीं होता है। तो क्या होता है कि आपको इस तरह से करना होता है, तो यहाँ पे आपको जो है प्रेशर होता है। तो जनरली ये जो है ये आप इसको इस तरह लगा दीजिए, बहुत सिंपल है लगाने के लिए। इसको रबर है तो आप इसको थोड़ा पुश कीजिएगा, इसको इस तरह ऐसा पुश कीजिए, ओके। पुश करते ही थोड़ा यहाँ पर स्ट्रेट कर दीजिए, ये इस तरह हो गया, ओके। फिर आप इसको प्रेस कीजिए एंड ये हो गया, लग गया आपको। तो अब जो है आपने बाइक पे गियर चेंज किया, जब आप गियर चेंज करोगे तो आप देखिएगा आपको यहाँ पे जो है वो प्रेशर नहीं फील होगा, आपको जो है काफ़ी आराम लगेगा आपको इसके लगाने के बाद, ओके ओके फ्रेंड्स। तो मुझे बताइएगा कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें कमेंट कर दीजिएगा, ओके। और डेफिनेटली मैं और भी नए नए वीडियो इस तरीके का लेके आता रहूँगा और आपको जो है आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो दोस्तों आप लाइक बटन दबा दीजिए, आपने अभी तक वीडियो यहाँ तक देखा है तो डेफ़िनेटली लाइक करके जाइएगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं इस तरीके का नए नए वीडियो और भी काफ़ी जो है एंटरटेनमेंट और इस तरीके का इंफॉर्मेटिव चैनल जो है प्रोडक्ट की आपको आपके साथ वो शेयर करता रहूँगा। विद दैट सेड गाइज, बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग। थैंक यू।